tasty, tempting and super delicious cake pops. Hello everyone. चलिए तो फिर रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं। ये है चॉकलेट स्पॉन्ज केक। हम इसको क्रश करेंगे। इसके बाद हम बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे अभी हम केक स्पॉन्ज को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दो स्पून व्हिप क्रीम हमने ऐड कर दिए बस ना। ओके, अभी इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। केक पॉप्स को बाइंडिंग आने के लिए हमने इसमें व्हिप क्रीम ऐड किया है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चॉकलेट सिरप का भी यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए हमने इसमें व्हिप क्रीम डाला है। तो अभी हम केक पॉप्स बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं व्हिप क्रीम की वजह से केक पॉप्स अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं। केक पॉप्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे हम इसे चॉकलेट में डिप करने वाले हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो ने इस तरह से बना लिए है बॉल और इसमें हम स्टिक ऐड करेंगे इस तरह से। तो इस प्रकार बच्चों ने सभी केक पॉप्स बना लिए हैं। यहाँ पर अभी हमने लिया है मेल्टेड चॉकलेट में डिप करेंगे। अभी हमें केक पॉप को अच्छी तरह से चॉकलेट से कवर कर लेना है। चॉकलेट की कोटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। डेकोरेशन के लिए अभी यहाँ पे हम स्प्रिंकल का यूज करेंगे। हमारे पास जो केक डेकोरेशन के स्प्रिंकल अवेलेबल होते हैं वो हमने यहाँ पे यूज किया। आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल कीप दिस केक पॉप्स इन अ कप। फॉर सपोर्ट वी केप्ड राइस ओवर देयर। जब तक हम सब मिलके केक पॉप्स बना रहे हैं, आप जल्दी से मज्जूस किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने 10 मिनट के लिए।